कुल्लू के देवसदन सभागार में जिला कुल्लू अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के चुनाव संपन्न हुए। कुल्लू जिला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के समस्त खंडों ने अमरचंद ठाकुर को जिला अध्यक्ष चुना। एनपीएस के राज्य अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि पूरे प्रदेश में राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के चुनाव हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक 7 जिलों के चुनाव संपन्न हुए हैं, जबकि 5 जिलों में आने वाले 1 सप्ताह के भीतर नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। आज जिला कुल्लू के चुनाव यहाँ हुए हैं। अमर जी और इनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। अभी तक हमारे 7 जिला के चुनाव जो हैं वो संपन्न हो चुके हैं और 5 जिला शेष बचते हैं। बहुत जल्द हमारे सभी जिला जो है सभी जिला के चुनाव संपन्न हो जाएंगे और उम्मीद है कि 15 सितंबर से पहले हमारे राज्य स्तरीय चुनाव भी हो जाएंगे। मैं सभी कर्मचारी साथियों का जो जिला कुल्लू के इस चुनावी प्रक्रिया में जिन्होंने भाग लिया उन सबका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने निर्विरोध आज यहाँ अमर जी और इनकी पूरी कार्यकारिणी को चुना है। और हमें विश्वास है कि जो अमर जी और इनकी कार्यकारिणी यहाँ चुनकर आई है वो कुल्लू के सभी कर्मचारियों की समस्याओं को जो है जिला कुल्लू के अधिकारियों के समक्ष, सरकार के समक्ष और जो एनजीओ फेडरेशन राज्य स्तर पर चुनकर आएगी उनके समक्ष रखेंगे और सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए जो है दिन रात काम करेंगे। और इनका भी कहना भी यही था कि हम आज ही एक बैठक करके जो है कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में मंथन करेंगे। जो भी ब्लॉक से कार्यकारिणी चुनकर आई है उन सभी कार्यकारिणियों के जो भी वहाँ पर जो भी समस्याएँ फिलहाल कर्मचारियों की उनके समक्ष आई हैं उन सबका समाधान के लिए हम काम करेंगे। और आप सबने देखा है कि पेंशन बहाली के लिए भी हमने लगातार प्रयास किए थे और आज प्रदेश में पेंशन बहाल हुई है। उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने वही पेंशन बहाल किया जिसके लिए लगातार हमने प्रयास किया। जो बहुत ऐसे लोग भी थे जो आज विपक्ष में बैठे हैं वो ये कहते थे कि ऐसी पेंशन जो है कभी बहाल नहीं हो सकती, ये असंभव है, लेकिन सुक्खू जी ने असंभव को संभव करके हमारी पेंशन बहाल की है और हमें पूरा विश्वास है वो कर्मचारी हितैषी मुख्यमंत्री हैं, पूरे प्रदेश के हित में वो लगातार काम कर रहे हैं और कर्मचारियों की और जो भी लंबित मांगे हैं उनके ऊपर भी वो जरूर ध्यान देंगे और उन सबका भी समाधान करेंगे। देखिए क्योंकि जो भी हमारी ब्लॉक स्तर पर कार्यकारिणी चुनकर आई है या जहाँ जहाँ भी जिला स्तर की कार्यकारिणी चुनकर आई है वो जो भी समस्याएं हैं चाहे वो वेतन विसंगति से संबंधित है चाहे रिक्त पदों से संबंधित हैं, कुछ लोगों का ये मानना है कि जैसे क्लास फोर 2000 से पहले के क्लास फोर जो है वो 60 साल में रिटायर होते हैं, 2000 के बाद के लोग जो हैं वो 58 साल में रिटायर होते हैं, उनकी मांग है कि हम 60 साल में रिटायर हों, तो इस तरह की बहुत सारी मांगे हैं उनके ऊपर लगातार हमारी कार्यकारिणियाँ जो है वो कर्मचारियों के बीच जाकर कर्मचारियों से बैठ के लेकर उनसे जो भी समस्याएँ उनको हैं उन सब समस्याओं के ऊपर जो है मंथन कर रही है। और जो भी समस्याएँ ब्लॉक स्तर पर निपटाने की हों या जिला स्तर की हों उनको ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर निपटाया जाएगा और जो बड़ी समस्याएं होंगी उनको राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष प्रदेश सरकार के समक्ष रखकर जो है उनको निपटाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि 15 सितंबर से पहले अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की राज्य कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, इसके बाद प्रदेश भर के सभी कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार के समक्ष रखा जाएगा। कर्मचारियों के जो भी समस्या होगी हम जो प्रदेश सरकार के समक्ष उठाएंगे और उठाते आए हैं पहले से ही, लेकिन बहुत से मुद्दे सरकार ने हमारे कर भी दिए हैं और प्रयास रहेगा कि ब्लॉक लेवल से लेकर जिला लेवल तक जो है हम सभी अपने कर्मचारियों से राय मशवरा करके जो है सभी के हल मुद्दे हल करेंगे। मुद्दे इनके जो भी कार्य होगा उनके लिए जो है भरपूर प्रयास किया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी, जिला कुल्लू के हमारे सुंदर सिंह ठाकुर जी, बहुत से काम इन्होंने कर भी दिए हैं और कुछ करने को है और हम जो है सभी इकट्ठे होकर फिर मिलेंगे इनसे कि हमारे कुछ काम रहा है इसलिए उनको भी किया जाए। समस्या को जो है सरकार के समक्ष उठाया जाएगा, जो है स्टेट बॉडी से मिल के जो है हम सभी कर्मचारियों की समस्या को रखेंगे। समस्या जो है करुणा मूल है, दूसरे वेतन विसंगति है,
और दूसरे किसी के खाली पद है और कईयों के जो है या मतलब समर्थ अपने उसमें विभागों में जो है कुछ एक अधिकारियों के साथ आनाकानी होती है, उनकी भी कई मजबूरियां हैं, उनको सबको जो है लाइन पर सरकार के माध्यम से जो है लाइन पर लाने की कृपा की जाएगी।